Hello everyone. Good morning. Uh, today I am going to start with the topic of the issue uh, share certificate and the share warrant. Today we have we will discuss about that. What is the share certificate? and what is the share warrant and what is the base, what, uh, what is the difference between share certificate and share warrant sometimes students are very confused about that the share certificate and the share war warrant they they uh, think that both are the same but there are uh, there are some differences between them so today we are start with the share certificate after that i will elaborate about that शेयर वॉरेंट एंड आफ्टर दैट आर डिफरेंसेस आज हम लोग अंश प्रमाण पत्र अंश अधिपत्र पर बात करेंगे और इसके अंतर के बारे में जानेंगे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पे कन्फ्यूज़ होते हैं कि दोनों जो सर्टिफिकेट हैं वो सेम हैं या इनमें कुछ डिफरेंस होता है तो इसको भी हम लोग आज देखेंगे कि क्या दोनों सिमिलर हैं एक एक ही सर्टिफिकेट हैं एक ही प्रमाण पत्र हैं या दोनों अलग अलग हैं तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी एक्ट टू की तो 2013 में जैसे हम लोग जानते हैं अ कंपनी ईशू देयर शेयर्स आइदर ऑन द पार वैल्यू और ऑन द डिस्का ऑन सॉरी और ऑन द पार वैल्यू और ऑन द प्रीमियम वैल्यू एक कंपनी अपने शेयर्स को या तो सम मूल्य पर आ, मार्केट में लॉन्च करती है या फिर प्रीमियम पे करती है तो इसको मैंने अभी कुछ पुराने लेक्चर्स में भी बार बार बताया हुआ है कि कैसे कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है यदि सौ रुपये का एक शेयर है कंपनी के पास तो यदि एक शेयर कंपनी इशू कर रही है या कंपनी जब अपने शेयरों को इशू करती है और पर शेयर की कीमत वैल्यू जो होती है इसकी प्राइस सौ रुपये होती है और कंपनी इसको सौ रुपये पर ही इशू कर दे तो इसे पा एट पार कहते हैं और एट प्रीमियम एट प्रीमियम का मतलब होता है कि कंपनी जब अब उसके सौ रुपये से एक्सेस वैल्यू लेती है सौ रुपये से ज़्यादा पर इशू करती है वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड फाइव और वी कैन से दैट मोर देन रुपीज़ हंड्रेड सौ रुपये से ज़्यादा कुछ भी सौ रुपये से ज़्यादा यदि लेती है तो वो प्रीमियम पे इशू कहलाता है अंडर द सेक्शन टू थाउजेंड थर्टीन डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है ये मैंने लिखा भी है इट इज़ प्रो ये पूरी तरह से अब अलाउड नहीं है कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में फिर हम लोगों ने देखा था कि कंपनी स्वेट शेयर इसकी जगह इशू करती है डिस्काउंट पे अंडर द सेक्शन 54 बट हम लोग उस पर बहुत नहीं जाएंगे वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्वेट शेयर क्या है हम लोग अब सीधे बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट से तो शेयर सर्टिफिकेट विच इज मैंशन अंडर द सेक्शन फोर्टी अंश प्रमाण पत्र जो कंपनी एक्ट टू के सेक्शन फोर्टी या धारा छियालीस में दिया हुआ है हम लोग बात करेंगे शेयर सर्टिफिकेट विच इज मैंशन अंडर द सेक्शन 46 जिसका सेक्शन है जिसकी जो धारा है वो है छियालीस और ये आपका कंपनी एक्ट 2013 कंपनी अधिनियम 2013 में शेयर सर्टिफिकेट याश प्रमाण पत्र छियालीस में दिया हुआ है क्या है ये शेयर सर्टिफिकेट इसकी बात करेंगे और फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि वॉट इज़ द शेयर वॉरेंट शेयर वॉरेंट क्या है जनरली लोग कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज होते हैं और ये सोचते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वॉरेंट एक ही चीज़ है जबकि ऐसा नहीं होता है शेयर सर्टिफिकेट अलग है अंश प्रमाण पत्र दूसरी चीज़ है और अंश अंश ये वारंट आपका दूसरी चीज़ होती है तो मैं इसको पहले सर्टिफिक शेयर सर्टिफिकेट को डिफाइन करूँगी फिर शेयर वारंट को बताऊँगी उसके बाद दोनों के बीच का अंतर जो है डिफरेंस है वो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा चलिए हम लोग शुरू करते हैं इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट

विच हैव स्टैम्प ऑफ द कंपनी जिसपे कंपनी की uh, जो सील रहती है वो लगी हुई होती है एंड अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट यह एक तरह का प्रमाण पत्र है विच इज सर्टिफाइड दैट विच इज सर्टिफाइड दैट ऑन द डेट जिस डेट से ये इशू किया जा रहा है जिस डेट को ये जारी किया जा रहा है अ सर्टन पर्सन यह संबंधित व्यक्ति उसमें नाम लिखा होगा शेयर सर्टिफिकेट में अ सर्टेन पर्सन इज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द शेयर यह कंपनी के पंजीकृत अंशों का स्वामी है इसका मतलब ये क्या है इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच सर्टिफाइड द नेम ऑफ द शेयर होल्डर विच इज़ सर्टिफाइड द नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ द शेयर विच इज सर्टिफाइड द डेट विच इज सर्टिफाइड दैट द कंसर्न पर्सन इज़ द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द शेयर्स ये किन किन बातों को बताता है यह लिखित होता है दूसरा इसकी इसमें सील होती है साथ में ये कुछ चीज़ों को अपने सर्टिफिकेट के थ्रू बताता है कि आ, ये प्रमाणित करता है कि संबंधित व्यक्ति इसमें क्या चीज़ें होती हैं उसकी बात में जो कर रही थी कि शेयर सर्टिफिकेट में शेयर होल्डर का नाम अंशधारी का नाम होता है अंशों की संख्या होती है किस डेट को शेयर इशू किए गए वो मेंशन होता है और ये मेंशन होता है कि जो जो शेयर्स हैं उसका ओनर या संबंधित आदमी है या यह संबंधित व्यक्ति है हु इज़ द ओनर ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर वह पंजीकृत अंशों का स्वामी है ये पूरा जो प्रमाण है ये इस चीज़ को सर्टिफाई करता है शेयर सर्टिफिकेट ये आपका सेक्शन 46 में शेयर सर्टिफिकेट मेंशन है इसको जरा सा हम लोग ब्रीफ करते हैं इसकी की इन्फॉर्मेशन बनाते हैं कि क्या क्या सूचनाएं होती हैं द की इंफॉर्मेशन कंटेंड इन द शेयर सर्टिफिकेट कौन कौन सी बातें होती हैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं द नंबर ऑफ शेयर हेल्थ बाय द शेयर होल्डर्स बाय द शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स जिसने अंशों को लिया हुआ है उनकी संख्या दूसरा द नेम एंड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर उस व्यक्ति का नाम और पता जिसने शेयर को लिया हुआ है देन द क्लास ऑफ द शेयर्स अंशों का प्रकार कि किस प्रकार के शेयर हैं फुली पेड अप हैं कि पार्शियली पेड अप हैं इसको मैं समझा रही हूँ आपको फुली पेड अप का मतलब होता है कि यदि किसी शेयर की कीमत आ, या वैल्यू दस रुपये है और शेयर लेते समय शेयर लेते समय शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक उस व्यक्ति ने शेयर होल्डर ने दस रुपये पे कर दिए और कुछ भी बकाया नहीं बचा तो इसका मतलब है द शेयर आर द फुली पेड अप उसके बदले में पूर्ण भुगतान किया गया है द शेयर विच इज फुली पेड बाय द शेयर होल्डर संबंधित आदमी ने उसका पूरा पैसा जमा कर दिया है नो ड्यूज वहां पर कोई भी देर राशि नहीं होगी कोई भी ड्यूज नहीं होगी जो उसको फ्यूचर में देनी होगी ऐसी कोई ऐसा कोई अमाउंट नहीं होगा देन सेकेंड इज द पार्शियली पार्शियली का मतलब या पार्शियल का मतलब आंशिक आंशिक पर मतलब पूर्ण भुगतान किए हुए या पूर्ण देय और आंशिक का मतलब पार्शियली का मतलब आंशिक देय तो आंशिक यदि है वो तो इसका मतलब है कि यदि शेयर की कीमत दस रुपये है उस पर तीन रुपये एप्लीकेशन पे ले लिया गया पाँच रुपये अलॉटमेंट पे ले लिया गया तो बाकी बचता है कितना दस रुपये में से आठ रुपए यदि मांग लिए गए हैं एट रुपीज पेमेंट हो गए हैं और दो रुपए बचा है तो इट इज़ कॉल्ड पार्शली पेडप कैप पेडअप शेयर ठीक है इसका मतलब हुआ कि आंशिक भुगतान इस आंशिक भुगतान संबंधी या देय इसको बोल सकते हैं आंशिक देय अंश तो दो तरह के शेयर्स को मेंशन करेंगे कि वो पूरा तरह फुल ये पार्शियली है आंशिक भुगतान हुआ है या फुली पेडअप है पूर्ण दे पूर्ण दे है या पूरी तरह से इस पर भुगतान किया जा चुका है तो वो वहाँ मेंशन होगा कि किस तरह के शेयर हैं द अमाउंट पेड ऑन दो शेयर्स वह वह राशि जो भुगतान की जा चुकी है की जा चुकी है का मतलब यदि फुली अप है तो दिया रहेगा कि द शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज टेन एंड द अप अमाउंट रुपीज मान लीजिए हमने सौ शेयर लिया एक शेयर दस रुपये का था तो सौ मल्टीप्लाइड दस बराबर हमने कितने का लिया एक हज़ार का शेयर लिया तो लिख देगा वन थाउजेंड पेड और यदि पार्शियल है आठ रुपये हमने पेमेंट किया दो नहीं किया है तो लिख देगा पार्शियली अप शेयर ठीक है आंशिक भुगतान और पेड अप के साथ में लिख देगा एड कितना दिया आठ रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देगा आठ सौ रुपये ठीक है तो वहाँ पर दो सौ रुपये बच गया और एक केस में एक भी अमाउंट हमारा ड्यू नहीं बचेगा तो ये चीज़ें यहाँ पे इसकी की इन्फॉर्मेशन होती हैं या संक्षिप्त बातें इसमें जो होती हैं देन हम लोग बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इट कंटेंट्स इसमें और क्या है इट इज़ अ रिटन फॉर्म ये लिखित होता है ठीक है ये एक लिखित प्रपत्र है इट इज अट इट इज इन रिटन फॉर्म इट इज इन रिटर्न फॉर्म या लिखित प्रारूप में होता है द सेकेंड स्टैंप इसको स्टैंप भी बोल सकते हैं इसको सील भी बोल सकते है. इस पे कंपनी की स्टैंप या सील होती है दूसरा नेक्स्ट uh, है थर्ड सर्टिफाई द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर पंजीकृत अंशधारी का नाम सर्टिफाई द नंबर ऑफ द शेयर दैट हेल्प बाय द शेयर होल्डर अंशों की संख्या जो अंशधारी ने ली हुई है शेयर्स आर फुली पेडअप और द पार्शियल पेडअप पूर्ण फुली पेडअप पूर्ण भुगतान किए गए शेयर हैं या आंशिक भुगतान वाले हैं ये उसमें मेंशन होगा जो मैंने अभी आपको बताया देन अ सिंगल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपनी एक कंपनी एक ही सर्टिफिकेट इशू करती है नेक्स्ट इज द इन ज्वाइंट ओनर्स जहाँ पर एक से ज्यादा लोगों ने कंपनी के शेयर को मिल लिया हुआ है तो वहाँ पर भले वहाँ पर ज्वाइंट ओनर्स होंगे कई उसके स्वामी होंगे तो जो प्राइम ओनर होगा जो मेन ओनर होगा यहाँ हमने मेन लिखा है इसको प्राइम बोलते हैं प्राइम ओनर तो जो प्राइम ओनर होगा मुख्य व्यक्ति होगा मुख्य स्वामी होगा उसके नाम से सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा तो इन ज्वाइंट ओनर केस ओनली अ सिंगल सर्टिफिकेट इशू टू द प्राइम ओनर मुख्य आ, मुख्य अंशधारी या अंशधारक को इस तरह का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है दूसरे व्यक्ति को नहीं तो ये है आपका शेयर सर्टिफिकेट अब हम लोग बात करेंगे शेयर वारंट की तो शेयर वारंट 2013 में कुछ भी नया अमेंडमेंट कोई भी नया संशोधन नहीं है इसके बारे में कहीं आ, 2013 में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि क्या इसमें कोई चेंजेस है तो हम लोग शेयर वारंट पे चलते हैं कि शेयर वारंट होता क्या है तो जो अंश वारंट है सबसे पहली बात इट इज़ अ डॉक्यूमेंट अंतर करते चलिएगा इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स कंपनी सील तो उसमें भी सील थी यहाँ भी सील है यह भी एक प्रपत्र है और इसमें कंपनी की सील होती है या सार मुद्रा लगी होती है बट बट विदाउट नेम ऑफ द शेयर होल्डर इसमें व्यक्ति का नाम या अंशधारी का नाम नहीं होता है ओनली नंबर ऑफ शेयर मेंशनड इन इट इसमें अंशधारी का नाम नहीं होगा देयर इज़ नो नेम इज मैंशन अंडर इट ओनली द नंबर ऑफ शेयर आर मेंशनड यहाँ पर सिर्फ अंशों की संख्या बताई जाती है व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होगा देन ओनली ईशूड टू फुली पेडअप शेयर होल्डर्स ये ध्यान में रखिएगा कि शेयर वॉल तो यहाँ पे है ओनली ईशूड टू फुली पेडअप शेयर होल्डर ये सिर्फ पूर्ण देय अंशधारियों को ही ईशू किया जाता है जबकि जो शेयर सर्टिफिकेट था हम लोगों ने देखा उसमें पार्शली को भी इंक्लूड करते हैं और उसमें फुली पेडअप को भी इंक्लूड करते हैं उस, उसमें जिस व्यक्ति में पूरा भुगतान कर दिया है फुली पे कर दिया है अमाउंट को जैसे दस रुपये का शेयर था दसों के दस रुपये दे दिए हैं अलॉटमेंट के टाइम तक आबंटन के समय तक तो वो फुली पेडअप है और जिसने अलॉटमेंट के टाइम तक मान लीजिए आठ रुपये दिए हैं और दो रुपये कंपनी बाद में ले रही है तो वहाँ पर वो पार्शियल कहलाएगा आंशिक भुगतान वाला तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इशू किए जाते हैं ये फुली पेडअप को इशू किए जाते हैं पार्शल पेडअप को इशू नहीं किए जाते हैं इसके बाद जो मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ आप लोग इसको बहुत ध्यान से नोट करिएगा कि ये आपके फुली पेडअप शेयर कैपिटल को मिलता है इट इज़ अ अगोशियेबल सर्टिफिकेट नीगोशियबल का मतलब होता है बियरर जैसे चेक होता है दो तरह का आप लोग जानते हैं एक क्रॉस्ड चेक होता है और एक बियर होता है क्रॉस्ड चेक का मतलब होता है कि यदि चेक पर हम लोगों ने टू लाइंस साइड में इस तरह से यदि चेक है और हम लोगों ने यहाँ पे किनारे उसको दो लाइन खींच दिया है तो वो आपका उसी के अकाउंट में चेक जाता है जिसका जिसका वहाँ नाम है उसको कोई और कैश नहीं करा सकता है उसको बैंक से कोई और अन्य व्यक्ति उसका भुगतान नहीं ले सकता है ये उसी व्यक्ति के खाते में जाएगा जिसका वहाँ पर नाम होगा मतलब अकाउंट होल्डर के नाम पे और जो निगोशियेबल होता है नीगोशियेबल का मतलब बियर दूसरा जो चेक होता है जैसे बियर बियर का मतलब जिसके पास वो चेक आएगा वो उसको जाकर कैश करा सकता है बैंक से तो ये हम लोग को मालूम है ठीक उसी तरह से शेयर वारंट होता है यहाँ पे लिखा इट इज़ अ अगोशियेबल सर्टिफिकेट ठीक है यह एक निगोशियेबल प्रमाण पत्र है या इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग कह सकते हैं निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट या न, ये आपका विनिमय साध्य का एक माध्यम होता है तो किस फॉर्म में होता है निगोशिएबल होता है बियर होता है वाहक होता है इसको हिंदी में कहेंगे वाहक जो लेकर जाएगा जिसके पास ये शेयर वॉरेंट रहेगा वही इसका मालिक हो जाएगा ठीक है तो जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट है शेयर वॉरेंट है वही मालिक माना जाएगा उस सर्टिफिकेट का उसके ऊपर कोई भी वो कोई भी व्यक्ति क्लेम कर सकता है इसके लिए जरूरी नहीं है कि आ, उसको सर्टिफाई करना पड़े उसको प्रमाणित करना पड़े तो ये ये भी एक तरह का वाहक होता है वाहक का मतलब जिसके पास होगा वही इसको आ, वही इसका मालिक कहा जाएगा वही इसका ओनर मान लिया जाएगा देन डिलीवरी इज डिलीवरी ईजी होता है इसको ईजिली हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैसे वन हैंड टू बाई वन हैंड टू अनदर हैंड बाई वन हैंड टू अनदर अनदर हैंड का मतलब निगोशिएबल सर्टिफिकेट है इसको कोई भी व्यक्ति किसी यदि दूसरे व्यक्ति को बाई हैंड ट्रांसफ़र कर देता है तो ये सर्टिफिकेट जैसे ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाता है इसका uh, जो स्वामी होगा वो अपने आप बदल जाएगा मैंने कहा वाहक है वाहक का मतलब निगोशिएबल नेचर का है तो जिस तरह से चेक होता है जिसके हाथ में बियरर चेक है वही उसका मालिक हुआ ठीक उसी तरह से शेयर वारंट होता है जिसके पास भी ये होगा वही इसका मालिक कहा जाएगा और वो व्यक्ति जैसे मान लीजिए चेक मैंने दिया बियर है जिस व्यक्ति को दिया वही उसका मालिक हो गया उसी तरह से जिस शेयर वॉरेंट जिसके पास होगा वही उसका मा, मालिक हो जाएगा सो डिलीवरी इसकी ईजी होती है ट इशूड आफ्टर परमिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर वॉरेंट इशू आसानी से नहीं किया जा सकता है जब तक अप्रूवल इस पर सरकार का न हो और किस सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का बिना केंद्र सरकार के अप्रूवल के अनुमति के इसको इशू नहीं किया जा सकता है तो ये था हमारा शेयर वॉरेंट अब हम लोग बात करेंगे कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट अंश अंश जो आपका प्रमाण पत्र होता है और जो शेयर वॉरेंट होता है अंश अधिपत्र होता है दोनों में क्या अंतर है तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अंश प्रमाण पत्र आप लोग इसकी हिंदी लिखते जाइएगा मैं बोलती जा रही हूँ और इसको बोलेंगे अंश अधिपत्र पहला जो हम लोग डिफरेंस है उसकी बात करें डेफिनेशन दोनों की परिभाषा को के ग्राउंड पे अंतर करेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन परिभाषा के आधार पे अंतर फर्स्ट नेम ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर एंड द नंबर ऑफ शेयर बोथ गिवेन इन द सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट में व्यक्ति का नाम भी होता है अंशधारी का नाम भी होता है और अंशों की संख्या भी होती है शेयर वॉरेंट में नाम नहीं होता है हम लोगों ने भी डिस्कस किया ओनली नंबर ऑफ द शेयर आर मैं इन इट यहाँ पर सिर्फ अंशों की संख्या लिखी हुई होती है शेयर होल्डर का नाम नहीं अंशधारी का नाम नहीं होता है पहला अंतर सेकेंड फॉर इशूइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रूवल ऑफ द इशू ठीक है निर्गमन निर्गमन के लिए अनुमति ठीक है तो दूसरा अंतर हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन के लिए अनुमति के आधार पर अप्रूवल ऑफ द इशू क्या है इसका मतलब हम लोगों ने कहा शेयर सर्टिफिकेट अभी शेयर वॉरेंट जब पढ़ा तो कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना केंद्र सरकार की अनुमति के बिना इसको हम लोग इशू नहीं कर सकते हैं तो फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट नो नीड टू अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है बट विदाउट अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट कैन नॉट इशू बिना सरकार की अनुमति के इसको हम निर्गमित नहीं कर सकते हैं थर्ड इज द इट इज़ नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये वाहक नहीं है ठीक है प्रॉपर ट्रांसफर सिस्टम और द ट्रांसफर डीड जिसको कह सकते हैं इसको ट्रांसफर डीड भी बोलते हैं प्रॉपर ट्रांसफर डीड फॉलोड फॉर द ट्रांसफरिंग इट टू वन टू अदर इसमें शेयर सर्टिफिकेट में यदि शेयर्स को हमको ट्रांसफर करना है तो नियमों को कानूनों के आधार पर हम लोग प्रक्रिया को पूरा करते हुए शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं लेकिन इट इज़ अ नीगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा हम लोगों ने यह एक वाहक वाहक आपका प्रपत्र है तो वाहक होने के कारण बियर डॉक्यूमेंट होने के कारण आ, ये द ट्रांसफ़र इज़ वेरी इजी, ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स इज वेरी इजी इन केस ऑफ द शेयर वारंट वन हैंड टू अदर हैंड एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते ही इसका जो ओनर होता है वो अपने आप बदल जाता है ये अपने आप ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट जो है वो है आपका फोर्थ जो है इसमें शेयर क्वालिफिकेशन तो शेयर क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसको आ, हिंदी में हम लोग कहते हैं अहर्ता या योग्यता तो योग्यता के आधार पर यदि अंतर को देखा जाए तो फॉर डायरेक्टर क्वालिफिकेशन डायरेक्टर मस्ट हैव सर्टिफिकेट देन ही एक्ट एज अ डायरेक्टर एक डायरेक्टर बनने के लिए उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो शेयर सर्टिफिकेट होती है क्यों होती है शेयर सर्टिफिकेट में नाम दिया होता है व्यक्ति का नाम दिया होता है द मैंशन द नेम ऑफ द शेयर होल्डर तो शेयर क्वालिफिकेशन के लिए <coughs> ये काम करता है या ये जो है ये क्वालिफिकेशन मानी जाती है शेयर सर्टिफिकेट बट बिकॉज इन द शेयर वॉरेंट इट इज ना नॉट काउंटेबल फॉर द डायरेक्टर क्वालिफिकेशन क्यों नहीं माना जाता है क्योंकि ये निगोशिएबल है इसमें शेयर होल्डर का नाम मेंशन नहीं होता है इसमें सिर्फ मेंशन होता है संख्या ओनली द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड शेयर्स कितने अंशों को निर्गमित किया गया तो और बियर होता है एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाते साथ ही इसकी ओनरशिप चेंज हो जाती है इसका स्वामित्व स्वामित्व तो बदल जाता है ईजिली ट्रांसफर हो जाता है तो ये काउंटेबल नहीं होता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट किसी का भी हो सकता है ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है या जो डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन या जो क्वालिफिकेशन को बोलते हैं हम लोग योग्यता जो योग्यता चाहिए उसमें इसको मान लिया जाएगा तो ऐसा नहीं होता है डॉक्यूमेंट तभी माना जाएगा वेरीफाई किया जाएगा या सत्य साबित होगा जब उस पर उस व्यक्ति का नाम दिया हुआ होता है अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट तो किसी का भी हो सकता है वो प्रपत्र तो किसी का भी हो सकता है तो इसीलिए इट इज नॉट काउंटेबल फॉर द डायरेक्टर क्वालिफिकेशन नेक्स्ट हम लोगों का है जो मेंबरशिप राइट मेंबरशिप राइट के ग्राउंड पे हम लोग देखें जिसको बोलते हैं सदस्यता अधिकार सदस्यता अधिकार के आधार पर नोट करते जाइएगा सदस्यता अधिकार के आधार पर ड्यू टू द रजिस्टर रजिस्टर द नेम ऑफ शेयर होल्डर शेयर होल्डर कॉल्ड एज द मेंबर चूंकि इसमें व्यक्ति का नाम दिया होता है शेयर होल्डर का नाम होता है इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट जो है इसमें दूसरा मेंबरशिप यहाँ पर नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज नॉट रजिस्टर्ड यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड इन इट ठीक है इसमें शेयर वारंट में नाम नहीं होता है सिर्फ न, आ, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं सिर्फ अंशों की संख्या होती है सो बियर इज नोन एज द मेंबर तो जो इसका वाहक होगा वाहक मीन जो जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा वही मेंबर मान लिया जाएगा इट इज क्लियर देन नेक्स्ट इज द पेड अप वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द पेड अप वैल्यू दोनों को हम लोग पेड अप वैल्यू के ग्राउंड पे देखेंगे जैसे पार्शियल एंड द फुली पेड अप वैल्यू शेयर बोथ इज़ फॉर बोथ इट इज इट इज इशूड दोनों के लिए ही इसको इशू कर दिया जाता है चाहे वो आपका पार्शियल हो और चाहे वो आपका फुली पेडअप हो चाहे आंशिक uh, दे हो या पूर्ण देह हो दोनों ही केसेस में uh, ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है दूसरा जो हम लोगों ने कहा था कि शेयर वॉट वॉरेंट में पार्शियल का कोई झंझट ही नहीं होता है वहाँ पर फुली जो पेड़ अप होगा जिसने पूर्ण भुगतान कर दिया है उसी को ये सर्टिफिकेट शेयर वारेंट इशू किया जाता है ठीक है नेक्स्ट स्टैम्प ड्यूटी पेएबल ऑन ट्रांसफ़र बाय फिलिंग द डीड इट कैन ट्रांसफ़र जब तक हम लोग डीड नहीं भरेंगे जब तक हम लोग जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र का उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक शेयर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं सो नीड द किस चीज़ की नीड हो, होती है नीड स्टैंप ड्यूटी फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इसलिए स्टैंप ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी आप लोग जानते हैं जो एक तरह की रसीदी टिकट होती है उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ती है जब तक वो आप ट्रांसफर के लिए आप फॉर्म भरेंगे शेयर्स के ट्रांसफ़र के लिए शेयर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने के लिए और उस पर स्टैंप लगती है उस पर रसीदी टिकट लगती है इस उसी को स्टैंप ड्यूटी बोलते हैं उसके बाद ही शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं स्टैंप ड्यूटी पेबल ऑन द ट्रांसफ़र इसमें देखें हम लोग क्या नियम नियम क्या कहता है ओनली बाय ट्रांसफरिंग द सर्टिफिकेट वॉलेंट इट ट्रांसफ़र टू अदर सिर्फ आपने इस शेयर वारंट को दूसरे को दे दिया किसी तरह का आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाना है कोई रसीदी टिकट नहीं लगाना है और उस सिर्फ शेयर वारंट को एक हाथ से दूसरे हाथ में देते ही ये ट्रांसफर हो जाता है या हस्तांतरण हो जाता है और लास्ट जो है वो है आपका पटिशन फॉर वाइंडिंग अप पटिशन ऑफ द वाइंडिंग अप का मतलब होता है समापन के लिए वाद करना वाद मतलब पिटिशन दाखिल करना या या इसी को कहते हैं रीट करना ठीक है डब्ल्यू आर आई टी रीट कर डब्ल्यू आर आई टी रीट करना पिटिशन तो पिटिशन फॉर द बाइंडिंग अप ड्यू टू मेंबरशिप राइट चूंकि यहाँ पर व्यक्ति का नाम होता है शेयर सर्टिफिकेट में नाम प्लस शेयर नंबर ऑफ शेयर दोनों होते हैं तो ये व्यक्ति मेंबर कहा जाता है शेयर जो हो, शेयर होल्डर होगा वो मेंबर कहा जाएगा तो पेटिशन के लिए ये पेटिशन कर सकता है वाद प्रस्तुत कर सकता है लेकिन यहाँ पर जब व्यक्ति का नाम नहीं है सिर्फ संख्या दी हुई है नंबर ऑफ शेयर्स की तो इसको अधिकार पेटिशन का नहीं होता है दिस टाइप ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर वॉरेंट मेंबरशिप राइट नहीं बनता है दे कैन नॉट फाइल पटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ये समापन के लिए कोई भी वाद नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि शेयर वारंट क्या है शेयर सर्टिफिकेट क्या है और किस तरह से शेयर सर्टिफिकेट को अब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि शेयर वारंट से कितना अलग है आ, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप लोगों को दोनों के अंतर को भी समझना है दोनों की डेफिनेशन को भी समझना है दोनों में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है कौन सा डिफरेंस है इसको आप क्लियर कर लीजिए और अब मुझे लगता है कि इस चीज़ की कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि शेयर वारंट क्या है शेयर सर्टिफिकेट क्या है कहीं पे ये लगता होगा कि दोनों एक हैं तो ऐसा नहीं है दोनों ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं दोनों ही जो प्रपत्र हैं वो अलग अलग होते हैं ठीक है ठीके? तो इसको ध्यान में रखिएगा एंड Stay tuned with me. Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.